हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु अर्बल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम फोकस करेंगे नर्सिंग चूर्ण के बारे में, यानी जो लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं उसके बाद क्या होता है, सेल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं, यानी उसके बाद कोई भी चीज़ बढ़ती नहीं है, सब चीज़ें घटने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में वीकनेस आता है, वीकनेस आने के साथ साथ बीमारियाँ भी घेर लेती हैं। तो उसमें फिर एंटीबायोटिक जो होते हैं आयुर्वेदिक में भी, वो गर्म भी होते हैं कुछ और कुछ ठंडे भी होते हैं। तो उस एज पे आके आप रिस्क नहीं ले सकते अपनी बॉडी के साथ, यानी अगर आपको पावर बूस्टर चाहिए जो आप जिसे निरोगी काया ले सकते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस एज के बाद, यानी 50 क्रॉस के बाद, क्योंकि आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है, डाइजेशन काफ़ी कम हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, और ओवरऑल बॉडी भी वीकनेस की ओर बढ़ने लगती है। तो उस वीकनेस को आप कैसे ख़त्म करें जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और आपका बॉडी ओल्ड होने के बाद भी और आपको वीकनेस फील ना हो, तो उसका प्रयोग निकाला है आयुर्वेदिक में नरसिंह चूर्ण से। नरसिंह चूर्ण का कॉम्पोजिशन दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ये हर चीज़ रोग पे काम करता है, हर रोग पे काम करता है। जो 50 क्रॉस लोग हैं, यानी जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, वो ये चूर्ण ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, वीकनेस नहीं आने देता है, और एक तरह से ये कायापलट की श्रेणी में आता है। यानी इसको कायापलट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपके सेल्स डेवलप होना बंद हो जाते हैं एक उम्र के बाद, तो उन सेल्स को ये वॉर्म रखता है, यानी उनको हीलिंग प्रदान करता है, जिससे वो जल्दी डैमेज नहीं होते हैं और आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, वीकनेस नहीं रहती है। अब बात करते हैं कि इस चूर्ण को बनाया कैसे जाए, यानी इसमें क्या क्या घटक हैं। तो इसमें सबसे पहले डलता है दोस्तों शितावर, डलता है दोस्तों इसमें सबसे पहले। दूसरा डलता है बड़ा गोखरू। फिर इसमें तिल डलता है जिसका छिलका निकला हुआ होता है, यानी काला तिल जो होता है उसका छिलका निकला हुआ डलता है। विदारीकन डलता है, गिलो डलता है, शुद्ध भिलावा डलता है, चित्रकमूल डलता है, त्रिकटू डलता है। त्रिकटू में क्या क्या आता है, सॉल्ट, पीपल, काली मिर्च, मिश्री डलती है, घी डलता है, और आखिर में शहद डलता है। इन सब की मात्रा अलग अलग है दोस्तों, मैंने आपको इसके घटक बताए हैं, मात्रा इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर आप चाहें कि इसको बनाने का प्रोसेस मैं बताऊं तो आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं वो बनाऊंगा ब्लॉग आपके लिए। अभी मैंने सिर्फ आपको घटक बताए हैं। इन सभी घटकों से, यानी इन सभी चीज़ों से मिलकर नरसिंह चूर्ण बनाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी, तो उसमें बॉडी में जो वीकनेस आता है वो नहीं होगा आपको, और आप अच्छे से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है, किस चीज़ से लेना है और कब लेना है। 1/4 चम्मच आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तीनों चीज़ों से लिया जाता है। घी अगर आपको अच्छा लगता है तो घी से ले लीजिए, शहद से ले लीजिए, पानी से भी ले सकते हैं। तो नरसिंह चूर्ण आप खाना खाने के बाद दोनों टाइम ले सकते हैं, घी, शहद या पानी से, जिससे आपकी कायापलट रहेगी, आपको जब आपका एज बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर मच एज यू कैन विद योर फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।